दिस इज 92.7 बिग एफएम। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अनु कपूर आप सबका स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। हर रोज की तरह आज के सफर की शुरुआत भी एक झलक से। हिंदी फिल्मों के ज्यादातर गाने कहरवा और दादरा में तालबद्ध किए जाते हैं, मगर आज मैं कुछ ऐसे गाने बताऊंगा जो झपताल में बांधे गए हैं। दूसरी कहानी होगी प्रोड्यूसर डायरेक्टर केदार शर्मा और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मुलाकात की। क्या हुआ इस अभूतपूर्व मुलाकात में? रेगुलर सेगमेंट्स में तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में आज दिल याद करेगा बिंदिया गोस्वामी को। तो आइए शुरू करता हूं आज का सुहाना सफर आपकी अनुमति के साथ। सुगम संगीत में जिन तालों का ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो है 8 मात्रा की कहरवा और 6 मात्रा की दादरा। 8 मात्रा की कहरवा, धागे ना तेनक दिन, धागे ना तेनक दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अलग अलग पैटर्न लगाते हैं। 6 मात्रा की दादरा जिसका बेसिक है धा धी ना ना ती ना, धा धी ना ना ती ना, धा धी ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। ये दोनों ताले सबसे लोकप्रिय और सहज भी हैं और हिंदी फिल्मी गानों में बहुत इस्तेमाल की गई हैं। इनके बाद नंबर आता है रूपक ताल का जो 7 मात्रा की होती है, तित्ती ना धी ना धी ना, तित्ती ना धी ना धी ना, इसके अलग अलग पैटर्न लगाए जाते हैं। कहीं कहीं पंजाब में इसको चाचर भी बोल जाते, तिरकिट घणा ताक धिंग नागिन नागिन कृतक, ये भी आता है नाना त्रिकेट दिन दिन नाना दिन दिन नाना तिन, नाना त्रिकेट दिन दिन नाना तिन, नाना त्रिकेट दिन दिन नाना तिन। इस पैटर्न के ऊपर जब रूपक बजाया जाता है तो फिल्मी गानों में बहुत इस्तेमाल हुआ है। नाना त्रिकेट दिन दिन नाना तिन, नाना त्रिकेट दिन दिन नाना तिन, नाना त्रिकेट दिन नाना दिन दिन, ओ बसंती पवन पागल ये। लेकिन 10 मात्रा की झपताल में बहुत कम गाने बने हैं। आज हम करते हैं बात उन गानों की जो झप ताल में निबंध है। झप ताल मतलब 10 मात्रा की ताल। धिन ना धिन धिन ना, तिन ना धिन धिन ना, धिन ना धिन धिन ना, तिन ना धिन धिन ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1। मैं कुछ खास गाने बता देता हूं। सबसे पहले जो गाना याद आ रहा है वो है 1939 की फिल्म नर्तकी का गाना, कोई याद आया सवेरे सवेरे। 1955 की फिल्म सीमा का एक गाना, कहां जा रहा है तू ऐ जाने वाले, अंधेरा है दिल का दिया तो जला ले। परवरिश का एक गाना, संगीत दत्ताराम का, आवाज मुकेश की, आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाएं। देवर फिल्म का गाना, बहारों ने मेरा चमन लूट कर खजां को ये इल्जाम क्यों दे दिया, म्यूजिक बाय ग्रेट रोशन, आवाज मुकेश की। एक और गाना याद आया, तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं, मुकेश की ही आवाज में। फिल्म पूर्णिमा का एक गाना याद दिलाना चाहूंगा, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। एक गाना किशोर कुमार का भी है झपताल में निबद्ध, एक बार मुस्कुरा दो। गाने के बोल हैं, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। शंकर जयकिशन के दो गाने याद दिलाना चाहूंगा, बसंत बहार फिल्म का गाना, गीत लिखा शैलेंद्र ने, गाया मन्ना डे ने, भय भंजना वंदना सुन हमारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, गीतों के फूलों की माला सजाकर लाया हूं दिल आरती में सजाकर, तुझे और क्या दूं मैं ठहरा भिकारी, भय भंजना वंदना सुन हमारी। शंकर जयकिशन का ही एक गाना 1962 की फिल्म प्रोफेसर का, आवाज देकर हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ, गीतकार हसरत जयपुरी, गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। निर्माता निर्देशक केदार शर्मा ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से हुई अपनी पहली मुलाकात में ऐसा क्या कह दिया कि वहां मौजूद सब लोग अवाक रह गए। ये किस्सा बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए इस पूरे हफ्ते आजादी का जश्न ऑन सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। बंबई आने से पहले केदार शर्मा कलकत्ता के न्यू थिएटर्स में काम करते थे। उन्हीं दिनों उनकी कविताओं की एक पुस्तक छपी थी पंछी। केदार शर्मा चाहते थे कि इस किताब की एक प्रति
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को भी भेंट की जाए। इसमें उनकी सहायता की उनके मकान मालिक बैनर्जी साहब ने। बैनर्जी साहब केदार शर्मा को लेकर गुरुदेव के पास पहुंचे। सीन ऐसा था कि तख्त पर ऋषि जैसे बैठे थे रविंद्रनाथ टैगोर, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी और सफेद कपड़े, गले में मालाएं डाले। नीचे जमीन पर उनके अनुयायी बैठे थे। लोग आते जा रहे थे और रविंद्रनाथ टैगोर के पैर छूते जा रहे थे। अब बैनर्जी परिवार और केदार शर्मा की बारी आई। बैनर्जी परिवार ने गुरुदेव के पैर छू लिए। अब आगे बढ़े केदार शर्मा, तो गुरुदेव ने आदतन अपने पैर आगे कर दिए। केदार शर्मा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव मैं आपका गुजरा हुआ कल हूं और हो सकता है एक दिन भविष्य मुझे आप जैसा सिद्ध करे, पर मैं पैर छूने की इस परंपरा में विश्वास नहीं रखता। सब लोग ये सुनकर अवाक रह गए, चौंक पड़े, सन्नाटा छा गया। लेकिन रविंद्रनाथ ने केदार को पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता से बहुत खुश हुआ, बोलो क्या कारण है तुम्हारे यहां आने का। तो केदार शर्मा ने कहा कि मैं कविता संकलन की एक प्रति आपको भेंट करना चाहता हूं। रविंद्रनाथ बोले, मुझे हिंदी तो आती नहीं है, मुझे कविता सुनाओ और उसका अंग्रेजी अनुवाद भी सुना दो। ऐसा ही हुआ और केदार शर्मा की कविता संकलन की पुस्तक पंछी की प्रति पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने हस्ताक्षर किए और ऊपर लिखा ब्लेसिंग्स। रविंद्रनाथ टैगोर की ब्लेसिंग्स और उनके ऑटोग्राफ केदार शर्मा के पास उम्र भर का सरमाया। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें फोन पर अपने श्रोताओं से करेंगे उनके दिल की बात। बस थोड़ी ही देर में, आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए इस पूरे हफ्ते आजादी का जश्न ऑन सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? नमस्कार अनु जी, मैं गौरी बोल रही हूँ राजस्थान से। मेरा सवाल ये है कि हम स्वतंत्र हैं, पर क्या अपने भाषा के प्रति प्रेम होना क्या स्वतंत्रता नहीं होता? गौरी जी, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। हाँ, स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता का मूल्य जानना एक अलग कला है। हमारी स्वतंत्रता बहुत सारी शर्तों पे बांध दी गई। जो हमारे आका हुआ करते थे, जिनके हम दास हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स, उन्होंने तो आज से 150 साल पहले एक चीज जहर के रूप में हमारे समाज को और हमारे देशवासियों को इंजेक्ट कर दी। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, दे तो दी स्वतंत्रता, लेकिन जाते जाते इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस में बांध गए अपने कल्चर को, अपने रीति रिवाजों को, अपनी भाषा को, ऐसे हम सबके ऊपर डाल गए और हम भी इतने लचर हो गए कि हमने मान लिया कि अंग्रेजी में बात करने वाला व्यक्ति विद्वान होता है और देसी भाषा में अपने आप को व्यक्त करने वाला व्यक्ति चतुर नहीं होता है, बुद्धिमान नहीं होता है। इस मानसिकता के साथ हमने हमारी जितनी भी जो कुछ हिंदुस्तान का, भारत का मौलिक था, शुभ था, पावन था, वो सब लुप्त हो गया। ध्यान रहे, मैं संस्कार की बात नहीं कर रहा। संस्कार हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे हैं जिनका छोड़ देना, चला जाना, लुप्त होना, समाप्त होना बहुत अच्छा है। मैं बात कर रहा हूं भारतवर्ष का जो कुछ मौलिक था, शुभ था और पावन था और जायज था, वो सब बड़ी चतुराई के साथ, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के अंदर सारे भारतवासी ऐसे ऐसे फंसे कि हम अभी तक निकल नहीं पाए हैं। हम आज भी पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए हैं, परंतु मानसिक गुलामी आज भी हमारे अंदर है। हेनरी लॉरेंस एक रेजिडेंट गवर्नर हुआ करता था, उसने कहा था, हिंदुस्तानियों तुम मुझे बताओ कि तुम कलम की हुकूमत चाहते हो या तलवार की? हम ब्रिटिशर्स हर तरह की हुकूमत करने के लिए तैयार हैं। तलवार की हुकूमत खत्म हो गई, कलम की हुकूमत आज भी गोरे हमारे ऊपर करते हैं। भाषा को आप बुद्धिमता का माध्यम न रखिए। एक अंग्रेजी बोलता हुआ आदमी भी बेवकूफी की बात कर सकता है और एक देसी भाषा के अंदर जो आदमी बोल रहा है, वो कन्नड़ा बोले, वो गुजराती बोले, पंजाबी बोले, भी बहुत चतुराई और बुद्धिमता की बात कर सकता है।
मैं सभी नौजवानों से, युवा लोगों से जो भी भारत के हैं, उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि बच्चों तुम्हारे ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंग्रेजी जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी जान के आपके प्रगति के द्वार खुल जाते हैं। अंग्रेजी ऐसी बोलो कि ऑक्सफोर्ड वाला कहे कि दिल्ली के लड़के ने, जोधपुर के लड़के ने, राजस्थान के लड़के ने, जयपुर के लड़के ने, गुवाहाटी के लड़के ने, कोलकाता के लड़के ने, इंदौर के लड़के ने, हमारे लड़के लड़कियां दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं, क्या इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन साथ साथ तुम्हें अपनी भाषा भी सीखनी है, हिंदी सीखनी है, कन्नड़ा सीखनी है, गुजराती सीखनी है, उसको भी उतनी ही महारत हासिल करनी है। तुम्हारे ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कहीं पर भी अपनी भाषा, जो कुछ आपका है, उसको नीचे नहीं, उसको गरिमा लानी है। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी को। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए इस पूरे हफ्ते आजादी का जश्न ऑन सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा बिंदिया गोस्वामी को। बिंदिया गोस्वामी का जन्म 6 जनवरी 1962 को हुआ था। उनकी बड़ी बहन पर्ल एयर हॉस्टेस थी, इसलिए छोटी बहन बिंदिया गोस्वामी की भी तमन्ना थी एयर हॉस्टेस बनने की। बिंदिया जब 14 साल की होगी, तब वो अपने पड़ोसी संगीत निर्देशक प्यारेलाल के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में गई। पार्टी में हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती की नजर बिंदिया गोस्वामी पर पड़ी। जया को बिंदिया में हेमा मालिनी की झलक नजर आई और उन्होंने बिंदिया को फिल्मों में आने की सलाह दी। आगे चलकर हेमा की मां जया की सिफारिश पर ही उन्हें पहली फिल्म मिली, जीवन ज्योति। इसमें विजय अरोड़ा उनके हीरो थे। ये फिल्म तो चली नहीं, मगर बिंदिया को सबने नोटिस जरूर किया, और इस तरह से बिंदिया गोस्वामी का फिल्मी सफर चल पड़ा। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने लिए मर्सिडीज और 16 साल की उम्र आते आते अपना खुद का फ्लैट खरीद लिया। वाओ। जिन फिल्मों से बिंदिया गोस्वामी को प्रतिष्ठा मिली वो हैं बासु चटर्जी की खट्टा मीठा, ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल और रमेश सिप्पी की शान। उनकी कुछ और उल्लेखनीय फिल्में हैं मुक्ति, प्रेम विवाह, दादा, जानी दुश्मन, खुददार, हमारी बहू अलका, आमने सामने, रंग बिरंगी इत्यादि। बिंदिया गोस्वामी की पहली शादी हुई थी विनोद मेहरा से, पर 4 साल बाद ये शादी टूट गई। उसके बाद बिंदिया गोस्वामी ने प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक जेपी दत्ता से शादी कर ली। इनकी 2 बेटियां हैं, निधि और सिद्धि। जेपी दत्ता से शादी के बाद बिंदिया अपने पति की फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन करती हैं। बॉर्डर, रिफ्यूजी और एलओसी फिल्म्स की कॉस्ट्यूम्स सुश्री बिंदिया गोस्वामी ने ही डिजाइन किए हैं। हम बिंदिया गोस्वामी को स्वस्थ और सफल जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अगर आप बिंदिया जी ये कार्यक्रम सुन रही हो तो बिग एफएम परिवार की तरफ से और अनु कपूर की तरफ से हमारे प्रणाम स्वीकार करें। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें फोन पर अपने श्रोताओं से करेंगे उनके दिल की बात। बस थोड़ी ही देर में, आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए इस पूरे हफ्ते आजादी का जश्न ऑन सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? नमस्कार अनु जी, मैं लुधियाना से इंद्रजीत गर्ग बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कौन सी फिल्मों में देश प्रेम की महक आती है? लुधियाना के इंद्रजीत गर्ग साहब का प्रश्न अपनी समझ और विचार के हिसाब से देने को तैयार हूँ मैं। कुछ लोगों ने बनाई हैं इस तरह की फिल्में कि जिनसे देश प्रेम की महक आती है। शिमित अमीन ने एक फिल्म बनाई थी चक दे इंडिया, शाहरुख खान ने उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल किया था, ऐसा प्रोटैगनिस्ट जिसके ऊपर सब डाउट करते हैं। मैंने जब उस फिल्म को देखा तो मन मयूर नृत्य करने लगा, क्योंकि इसमें देशभक्ति और देश प्रेम की सुगंध आ रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं लगान में भी ये भावना जागृत होती है। राकेश मेहरा ने भी एक फिल्म बनाई थी रंग दे बसंती। मनोज वाजपेयी की एक फिल्म थी शूल, उसमें भी कहीं ना कहीं एक भावना, ये देश प्रेम की भावना, के एक हिंदुस्तान का एक ईमानदार आदमी जो समर्पित है पूरी तरह से अपना कर्तव्य निभाने के लिए, उसको कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती, कितनी यातना से गुजरना पड़ता है, पूरा समाज और समाज के जो अराजक तत्व हैं, जो बहुत ज्यादा हैं समाज के अंदर, तो वो किस तरह से उसके विरुद्ध हो जाते हैं उसमें। और पुरानी फिल्में कुछ हैं
जिनमें ऐसा लगता है कि देश प्रेम जागृत हो जाता है। हकीकत जब आप देखते हैं, उपकार देखते हैं मनोज कुमार जी का, शहीद देखते हैं, ऐसा लगता है कि आहा, और भी कहीं किसी ने डायरेक्टली अगर ये बात नहीं की हो तब भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए गुरुदत्त ने जब प्यासा बनाई है तो वहां पर भी उसने डायरेक्टली पेट्रियोटिक काम नहीं किया, लेकिन जो कर रहे हैं वो समाज के प्रति, और उनकी फिल्म का तो गाना बैन कर दिया गया था। हाँ बिल्कुल, जब आप देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स थे जिन्होंने बात की है, मनोज कुमार जी ने इस तरह की फिल्में बनाई हैं, और लोग, मैंने सुना है कि कुछ लोग इसके ऊपर कमेंट भी करते हैं, लेकिन अरे आप बनाते हो क्या इस तरह की फिल्में? एक किसी फिल्म मेकर ने कमेंट किया था मनोज कुमार जी के ऊपर, आपने कभी बनाई क्या? आपने कभी बनाई उपकार? आपने बनाई पूरब और पश्चिम? आपने बनाई क्या शोर? आपने रोटी कपड़ा मकान बनाई? एक थीम को लेके भी आप एक कमर्शियल फिल्म बना सकते हैं। तो इस तरह की कुछ फिल्में हैं जहां देख के ऐसा लगता है कि देश प्रेम देशभक्ति के भाव हृदय में जागृत हो जाते। रोहिणी दिल्ली के सचिन तैलंग ने पूछा है कि देवानंद की फिल्म एक के बाद एक में संध्या का रोल निभाने वाली अभिनेत्री कौन है? हमें बताएं, जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज्ञा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए इस पूरे हफ्ते आजादी का जश्न ऑन सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। रोहिणी दिल्ली के सचिन तैलंग ने पूछा है कि देवानंद की फिल्म एक के बाद एक में एक कैरेक्टर है संध्या, ये रोल किसने किया है? तो सचिन जी, 1960 में आई देवानंद की फिल्म एक के बाद एक में संध्या का रोल निभाने वाली अभिनेत्री के बारे में ज्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, मगर सिर्फ इतना पता चला है कि इनका नाम था शारदा। ये शारदा अभिनेता विनोद मेहरा की बहन थी। 1960 की फिल्म एक के बाद एक के अलावा इनकी दो फिल्मों के बारे में और भी जानकारी मिली है। इन दोनों ही फिल्मों के निर्माता और निर्देशक थे A.R. कारदार। इन दो फिल्मों में से पहली थी 1949 की दिल्लगी, जिसके मुख्य कलाकार थे श्याम और सुरैया। दूसरी थी 1951 की और फिल्म का टाइटल था जादू, मुख्य कलाकार सुरेश, नलिन जयवंत इत्यादि। तो शारदा के बारे में हमें इतनी ही जानकारी मिल पाई है। अगर किसी श्रोता के पास कोई और जानकारी उपलब्ध हो इस प्रश्न से जुड़ी हुई तो हमें अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही, यहीं विराम देता हूं, फिर भेंट होगी आपसे। दुआओं में याद रखें, जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए इस पूरे हफ्ते आजादी का जश्न ऑन सुहाना सफर विद अनु कपूर।